अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, हम पढ़ रहे हैं न्यूट्रिशन बायोकेमिस्ट्री फ्रॉम द फर्स्ट एड। पेज नंबर है 79। तो अब बीच में जो हमने पेज नंबर 72 से लेके 78 स्किप किए हैं, इसके बारे में मैंने कम्युनिटी टैब में बता दिया, प्लीज़ आप उसे देख लीजिएगा। दूसरी ये चीज़ के अब हम पढ़ने जा रहे हैं पेज नंबर 79 पे डिसऑर्डर्स, और पहला डिसऑर्डर्स है हमारे पास G6PD डेफिशिएंसी, यानी कि ग्लूकोज 6 फॉस्फेटेज डीहाइड्रोजनेस की डेफिशिएंसी। अब ग्लूकोज 6 फॉस्फेटेज डीहाइड्रोजनेस इज एन एंजाइम, एंजाइम फॉर HMP पाथवे, यानी हेक्सोज मोनोफॉस्फेट पाथवे। सो व्हाट इज HMP पाथवे? HMP पाथवे इज द क्लासिकल पाथवे व्हिच गिव अस अ लॉट ऑफ ATP। HMP pathway is the main pathway that provide us a lot of NADPH, and these NADPH are later on converted on to ATP, यानी कि HMP pathway जो कि हमारे liver में, memory glands में, cortex में, फैट हर जगह पे होता है। इसका काम ये होता है कि ये हमें बहुत सारे NADP बना के देता है। NADP की मदद से बनते हैं बहुत सारे ATP। तो इस HMP pathway का रेट लिमिटिंग एंजाइम क्या है? G6PD। तो अगर G6PD नहीं होगा तो क्या HMP पाथवे होगा? नहीं होगा, क्योंकि रेट लिमिटिंग एंजाइम ही खराब है। तो अगर रेट लिमिटिंग एंजाइम खराब हो गया तो हमें NADPH नहीं मिले। NADPH नहीं मिले तो क्या होगा? अब पेज नंबर 79 पे आपकी बुक कहती है कि NADPH इज वेरी नेसेसरी टू कीप द ग्लूटाथियन रिड्यूस्ड। आई टोल्ड यू अर्लियर दैट ग्लूटाथियन इज द मोस्ट पोटेंट एंटीऑक्सीडेंट। सो व्हाट आर द एंटीऑक्सीडेंट? एंटीऑक्सीडेंट्स आर दोज सब्सटेंसेस दैट प्रिवेंट द RBCs फ्रॉम द हिमोलिटिक एनीमिया, फ्रॉम द रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज, फ्रॉम द फ्री रेडिकल डैमेज। ओके, तो अगर एंटीऑक्सीडेंट्स नहीं होंगे तो क्या होगा? RBCs मेम्ब्रेन डैमेज होगा, हिमोलिटिक एनीमिया होगा। ठीक हो गया। तो अब इन एंटीऑक्सीडेंट्स में सबसे पहले नंबर पर आता है ग्लूटाथियन, और ग्लूटाथियन के बाद आता है विटामिन E, और विटामिन E के बाद आता है विटामिन C। तो ग्लूटाथियन एक्टिव होता है इन इट्स रिड्यूस फॉर्म, ठीक है। और ग्लूटाथियन को रिड्यूस रखने के लिए हमें क्या चाहिए होता है? NADPH। तो अगर NADPH ही नहीं होगा, ग्लूटाथियन रिड्यूस फॉर्म में नहीं होगा, तो RBCs के ऊपर हमला करने में रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज को आसानी होगी, और इसकी वजह से क्या होता है? हिमोलिटिक एनीमिया। सो G6PD डेफिशिएंसी लीड्स टू दी हिमोलिटिक एनीमिया। ठीक हो गया। अब ऐसे कौन से एजेंट्स हैं जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स होते हैं फॉर दी RBCs? इसमें हमारे पास आते हैं फावा बीन, सल्फोनामाइड्स, नाइट्रोफ्यूरेंटाइन, प्रामाक्विन, क्लोरोक्विनिन और एंटीट्यूबरकुलस ड्रग्स। ठीक है। कुछ इन्फेक्शंस होते हैं जो कि हेमोलिसिस कराते हैं, जिसमें मलेरिया पहले नंबर पर है। इसके अलावा इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स ऑल्सो प्रोड्यूस फ्री रेडिकल दैट डिफ्यूजेस टू द RBCs एंड कॉजिंग द ऑक्सीडेटिव डैमेजेस और हिमोलिटिक एनीमिया। तो यहाँ पे ना आपने मलेरिया को लाजमी याद रखना है, क्योंकि मलेरिया में हम प्रामाक्विन और क्लोरोक्विनिन्स देते हैं, और ये वो दो ड्रग्स हैं जो G6PD डेफिशिएंट पेशेंट्स में कॉन्ट्राइंडिकेटेड होती हैं, और अगर दी जाएं तो वेरी कॉशियसली दी जाती हैं। ठीक है। प्रामाक्विन तो होती ही कॉन्ट्राइंडिकेटेड है। तो आपने क्लोरोक्विनिन और प्रामाक्विन को याद रखना है कि ये वो ड्रग्स हैं जो G6PD पेशेंट में नहीं दी जाती हैं। अब G6PD एक एक्स लिंक डिसऑर्डर है जो कि ज़्यादातर कॉमन होता है, यानी कि मोस्ट कॉमन एंजाइम डेफिशिएंसीज इन दी पर्सनस इन द वर्ल्ड, मोस्ट कॉमन एंजाइम डेफिशिएंसी इज G6PD डेफिशिएंसी। इट इज़ मोस्ट कॉमनली सीन और प्रिवेलेंट इन दी अफ्रीकन अमेरिकन्स। ठीक है। और ये इंक्रीज करती है मलेरिया की रेजिस्टेंस को। ठीक हो गया। अब हिमोलिसिस ऑफ RBCs होती है, तो हिमोलिसिस ऑफ RBCs के क्या साइन होते हैं? हींस बॉडीज होती हैं और बाइट सेल्स होते हैं। हींस बॉडीज क्या होती हैं? डी नेचर ग्लोबिन चेन्स, यानी हीमोग्लोबिन जब ब्रेकअप हो जाता है तो डी नेचर ग्लोबिन चेन्स बनाती हैं हींस बॉडीज। और बाइट सेल्स क्या होते हैं? इट रिजल्ट फ्रॉम द फेगोसाइटोसिस ऑफ और रिमूवल ऑफ हीन बॉडीज बाय स्प्लीनिक मैक्रोफेजेस, यानी कि जब हीन्स बॉडीज बन जाती हैं तो स्प्लीन आपको पता है कि ब्रेकडाउन प्रोडक्ट्स को रिमूव करती है, तो उसके बाद जो इसके रेमिनेंट्स रह जाते हैं उन्हें हम बोलते हैं बाइट सेल्स। ठीक है। तो हीन्स बॉडीज व्हेन रिमूव दे गेट अप इनटू द बाइट सेल्स। तो होपफुली G6PD का छोटा सा टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा, और MCQs जितने भी इसमें से कवर हो सकते थे आई ट्राइड टू कवर देम। तो अगर इसमें कोई मिस्टेक है तो काइंडली कमेंट में करेक्ट कर दीजिएगा। वीडियो यूज़फुल है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना है, और एडिशनल MCQs अगर आपने पास पेपर में पढ़े हैं तो वो भी कमेंट में ज़रूर कमेंट कीजिएगा। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियोज़।